पांडे भेजी व्लॉग में आपका स्वागत है। आइए कुछ नया बताते हैं, नया करते हैं। वैसे आप लोगों के पास जानकारी होगी और आप लोग तुलसी एकादशी का त्यौहार मना लिए होंगे और मस्त होंगे, खुशहाल बढ़िया होंगे। और मेरे पास जो जानकारी है मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, और अगर आप लोगों के पास अगर हो तो कमेंट में मुझे प्लीज़ जानकारी और दे सकते हैं। तो आज ये लहसुन को सुरक्षित कैसे रखें इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, और उसके छीलने के दो आसान तरीके। वैसे बहुत तकलीफ़ होती है लहसुन छीलने में, काम का समय रहता है और सब्ज़ी वगैरह बनाना रहता है या चटनी पीसना रहता है तो छीलने में परेशानी होती है, झंझट होता है। तो मेरे ख्याल से जो मतलब मेरे पास जो जानकारी है वो हो सकता है वो आप लोगों को भी सरल लगे, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात ये बताना चाहती हूँ कि लहसुन को सुरक्षित कैसे रखें। तो पहले तो ये लहसुन को आप इस प्रकार से थाली में या किसी भी पात्र में रख के इसको धूप में रख दीजिए, एक या दो दिन तक धूप में रख दीजिए। और धूप में रखने के बाद में इसको जिसमें भी रखना है आप लोग को रख लीजिए, पॉलीथीन में रखना है कि किस में रखते हैं आप लोग उसमें रख लीजिए। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसके छिलके के साथ ही इसको रखिए, इसको जो छिलकापन उतारेंगे जो छिलते जाते हैं तो छिलका के साथ में ही ये लहसुन को रख दीजिए, छिलका को मत फेंकिए। छिलका को बीच बीच में आप फेंकते जाइए फिर उसी में छिलका रख दीजिए। तो छिलके के साथ में रखेंगे तो आपका लहसुन ख़राब नहीं होगा, अधिक दिन तक टिकाऊ रहेगा। तो आइए देखते हैं कि लहसुन को कैसे छीलें। ये मैं इसको धूप में रख दी थी और धूप में मैं सुखा ली हूँ, धूप में सुखाने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब लहसुन छीलने के तरीका मैं बता देती हूँ आप लोग को कि कैसे छीलते हैं, मैं कैसे छीलती हूँ। ये लहसुन अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद में इसको ये बीज ऐसे टुकड़ा कर करके रख लेंगे। ये बीच से इसको टुकड़ा करेंगे तो अच्छे से बन तैयार होगा, ये कठिनाई नहीं जाएगी। अब ये देखिए, ये देखिए छिलका इसको जल्दी से ये उतरते जाएगा। ये देखिए, ये कितना जल्दी ये इसका छिलका उतरते जा रहा। कई लोग बोलते हैं कि इसे नाखून भी खराब हो जाता है और हाथ भी उंगली भी दर्द देने लग जाता है, इसको छिलते छिलते परेशान हो जाते हैं। पर अगर मेरे ख्याल से आप इस तरीके से छील के देखिएगा, ये देखिए ये जल्दी जल्दी छिलका निकलते जा रहा है। पर इसको बीच से दो टुकड़ा करने में ही निकलेगा, और अगर धूप दिखा देंगे तो और जल्दी जल्दी निकलेगा। ये देखिए इतना सारा लहसुन छील के मिनटों में या सेकेंड में बोलिए या मिनटों में ये आपका लहसुन छील के तैयार हो गया। ये देखिए इस तरीके से, इसको फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि ये लहसुन को ऐसा लेंगे
और ये 20 से दो टुकड़ा कर लेंगे। ये देखिए एक ये तरीका हो गया है लहसुन छीलने का, ये सबसे सरल तरीका ये, और दूसरा तरीका है ये। ये देखिए दूसरा तरीका है ये, फटाफट मेरे को लहसुन की अधिक आवश्यकता नहीं है, मैं छील के रख ली हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं छील रही हूँ, फिर ये ख़राब हो जाएगा अगर सूझ के। तो ये देखिए फटाफट हो गया है ये दोनों तरीका, उसमें से ये वाला तरीका और ज़्यादा सरल है, ये बहुत जल्दी होता है ये, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा कठिन है ये, पर ये भी हो जाता है, ये भी तरीका वो जो हम लोग छीलते हैं उस तरीके से, ये दोनों तरीका सरल है ये। तो आप इस प्रकार से अपना लहसुन फटाफट छील सकते हैं। और इसको सुरक्षित रखने का उपाय मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरे पास लहसुन पहले से छिलका रखा हुआ है, ये छिलका, तो मैं इसमें ये सब छिलका डाल दूँगी, ये और इसमें ये सब लहसुन भी डाल दूँगी, अब इसको इसी के साथ में ये छिलका के साथ में ही ये लहसुन को मैं रख लूँगी, तो ये लहसुन फिर आपका ख़राब नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा, ये बहुत दिन तक चलेगा। और वैसे भी आप लहसुन को, मैं आपको बता रही हूँ कि सुखा के ही रखा कीजिए तो ख़राब नहीं होगा। तो आपको बताइएगा आप कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें आप मेरा वीडियो। और अगर आप लोग देखते होंगे तो प्लीज़ इसको फैलाएं मेरा वीडियो को, और घर के सभी वीडियो में सब्सक्राइब होना चाहिए भाई, तो आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है मुझे। चैनल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।